सो कुछ इस तरीके से ये देखेंगे आप घाट्स पे दिए जो हैं शुरू कर दिए गए हैं लगाने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब होंगे बहुत बढ़िया। प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी जहां पर मैंने सुबह यहां पर दिखाया वाराणसी में कि किस प्रकार से लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं देव दिवाली को सेलिब्रेट करने, इस प्रोग्राम को देखने। अब मैं आपको इवनिंग में देव दिवाली का जो मेन प्रोग्राम रहने वाला है वो दिखाने वाला हूँ, जिसमें हम आरती देखेंगे। गंगा आरती के साथ साथ यहाँ पर जो दिए जलेंगे और लाइट वगैरह सारा कुछ शो वगैरह सब यहाँ पर आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो रहने वाली है क्योंकि ये बहुत बड़ा ही फेस्टिवल होता है वाराणसी का और काफ़ी इसकी मान्यता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है और उसका क्या महत्व रहता है और इस दिन क्या करना चाहिए। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए मेरे साथ अब आप इन्जॉय करिए देव दिवाली। दोस्तों, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन देव दिवाली को हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसी की खुशी में देवी देवताओं ने धरती पर आकर दिवाली मनाई थी। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन काशी में सारे देवी देवता दिवाली मनाने के लिए आ जाते हैं। इस दिन लोग दीप दान भी करते हैं जिससे कि उनके घर में खुशहाली आए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रिपरेशन हो चुकी है पूरी की पूरी। तो ये देखिए, अब इस घाट को भी सजा दिया गया है। यहाँ पर सारे आसपास के घाट को सजा दिया गया फुल जोरों पर। सो कुछ इस तरीके से ये देखेंगे आप घाट्स पे दिए जो हैं शुरू कर दिए गए हैं लगाने। यहाँ पर ये रंगोली टाइप बनाई गई है, स्वास्तिक बनाया गया उधर। तो मैं इस समय हूँ दरभंगा घाट पर। यहाँ पे देखिए रंगोली वगैरह का भी हो रहा है। रंगोली इधर आप देखेंगे तो इधर क्या खूबसूरत रंगोली तैयार की गई है इस साइड में, ये देखिए। सो लाइट्स वगैरह ऊपर भी लगे हैं बिल्डिंग्स में। सो ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिए लगाए जा रहे हैं और ये लाखों की तादाद में जलने हैं यहाँ पर। और शाम के लिए जो है, शाम के प्रोग्राम के लिए बोट्स अलग से सज चुके हैं यहाँ पर। छोटी बोट्स हैं इसके ऊपर, इसके अलावा यहाँ पर बड़ी बड़ी बोट्स भी हैं। तो ये देखिए कि बड़ी बोट भी है यहाँ पर। तो ये सबके रेट अलग अलग हो चुके हैं आज के दिन। सो यहाँ पर ये बोट तैयार होते हुए जाओ, अब बोट तो देखने दे। यहाँ तक आ जाऊँ दो सीढ़ी। सो ये देखो यहाँ पर गद्दे वद्दे बिछाए गए हैं। सो पूरी तैयारी हो रही है, ये तो बुक हो चुकी होंगी सारी की सारी फुल आज तो। बढ़िया है, तो गद्दे वद्दे लगा के आराम से यहाँ पे आपको देव दिवाली दिखाई जाएगी। तो यहाँ हर घाट पे ये देखिए दियो में तेल भरा जा रहा है। सब अपनी अपनी सेवा करने पर लगे हुए हैं। लगे अमृत महोत्सव। सो ये देखिए पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आरती के लिए बैठ चुका हूँ। अभी आरती में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन जैसे में घाट पे जो है काफ़ी भीड़ हो चुकी है। वो उस तरफ सामने आपको जहाँ लाइट नज़र आ रही है वो है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। सो उसी के साथ वाले घाट पे मैं बैठा हूँ। यहाँ पर भी आरती होगी तो आपको यहाँ से दिखाएंगे, अगर बोट मिल पाती है तो आपको वहाँ से भी दिखा पाएंगे। क्योंकि जो ये बोट वाले हैं इन्होंने जो चार्जेस हैं काफ़ी बढ़ा दिए हैं। 100 से 200 नहीं, 300 नहीं, 500 नहीं, सीधा 1000 रुपये पर बंदा मांग रहे हैं। सामने देखिए बोट साफ देखिए कितने सुंदर सुंदर आ रही है। देखिए
तरह की अलग टाइप की बोट आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। तो इसका नज़ारा बदल चुका है समय शाम। तो ये आप देख सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा का चांद उस छोर पे, जहाँ पर वो बोट चल रही है उस तरफ रेत ही रेत, और वहाँ जो आप देख पा रहे हैं दिए जल भी चुके हैं, काफ़ी सुंदर दृश्य है वहाँ का। उसके लिए आपको बोट लेनी पड़ती है और पार करना पड़ता है। बोट्स को देखिए कैसे भर भर के आ रही है, ओवरलोडेड लग रही है मुझे तो। ये दोस्तों यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, पंडित वगैरह लोग अपना हाथ चढ़ चुके हैं अपने अपने स्थान पर, डमरू ढोल आरती सब आ चुका है और चारों तरफ सिर्फ रौनक ही रौनक। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु इस समय फुल है ये वाराणसी के घाट सारे फुल। मैं भी जहाँ 2 घंटे से बैठा हूँ वहाँ ही बैठा हुआ था, 2 घंटे से सिर्फ हिल नहीं सकता हूँ, किसी घाट में जा नहीं सकता हूँ, बिल्कुल फुल है। बोट के रेट इतने हाई हैं ऑलरेडी, या तो बुक चल रही है या फिर रेट का कोई काउंट नहीं है, कुछ भी मांग रहे हैं। सोम आरती का वेट करते हुए दिए मिल जाएंगे। तो देखिए ये जो है ये है रिचंद घाट, पूरा मेले वाला माहौल यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पर सांभर डोसा भी मिलता हुआ ये देखिए, साउथ इंडियन बहुत आते हैं इसलिए ये चीज़ यहाँ पे बहुत चलती है। ये देखिए किसी किसी घाट पर लोग यहाँ पर दिवाली मनाते हुए, यहाँ पर आज रात को रौनक रहने वाली है, काफ़ी फुलझड़ियाँ जल रही हैं, अनार जला रहे हैं लोग, और आप एक बार नज़ारा देखिए ज़रा, रौनक ही रौनक है। दियों के साथ साथ रंगोलियाँ देखिए, जैसे ये गणेश जी की ये दिया बना हुआ है।
बनाया हुआ है, हर घाट को अपने हिसाब से सजाया गया है। देख रहे सब जगह कुछ ना कुछ मज़ेदार रंगोलीज और एकदम बेहतरीन। तो ये देखिए कहीं पे दिए फूल मिक्स करके रंगोली बनाई गई है, शिवलिंग बना रखा है यहाँ पर। सामने देखिए वहाँ पे लाइट वगैरह शो भी हो रहा है। कितनी देर लगी है आने में, आधा पौना घंटा। मैं वही बोल रहा था आपको, जिस घाट पे आप फंस गए वहाँ पर ही रहेंगे, दूसरे घाट पे आप उस समय नहीं निकल सकते जब तक आरती हो, उसके बाद निकले हैं थोड़ा बहुत। अब आप देख सकते हैं जगह जगह यहाँ पर रोशनी है सिर्फ आज। तो ये देखिए यहाँ पर लाइट्स वगैरह चल रहे हैं बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों आपने आज देखा मेरे साथ देव दिवाली का पर्व यहाँ पर, वो भी वाराणसी में, काफी धूमधाम से मनाया गया। आतिशबाजी, दिए, सब कुछ था यहाँ पर, संगीत, नृत्य, भगवान के नृत्य हो रहे थे, सब कुछ था। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ये रहा, मुझे काफी मजा आया। आई होप आपको भी वीडियो में काफी मजा आया होगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर करना भूलिएगा नहीं। हर महादेव, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।